दोस्तों, अगर आपका पंखा भी सोगो का या बगैर किट वाला है, वो स्लो चलता है, तो आज हम उसका हल लेकर आए हैं। उसको किस तरह तेज़ करना है, उसके लिए हम एक सर्किट लेके आए हैं, वो आपको दिखाएंगे और उसके कनेक्शन भी आपको करके दिखाएंगे। ये देखें, पंखा हमारा ये इस तरह चलता है। इसमें किट अंदर ही है, बाहर इसमें कोई किट नहीं है। ये सिर्फ डीसी ही डीसी है, एसी का इसमें कोई फंक्शन नहीं है। इस पंखे को आज हम आपको तेज़ चलाकर दिखाएंगे। तो वीडियो को आप दोस्तों ने ध्यान से देखना है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या आपका 12 वोल्ट का पंखा स्लो चलता है, तो परेशान ना हो। आज हम आप दोस्तों को ये 12 वोल्ट का सर्किट लेके आए हैं, जो आपके पंखे को तेज़ चलाएगा। तो आप दोस्तों ने वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद YouTube चैनल KJ इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को 12 वोल्ट का डीसी फैन जो कि स्लो चलता हो, उसके लिए हम आपको एक सर्किट लेके आए हैं। उसके आपको कनेक्शन भी करके दिखाएंगे और उसको आपको चलाकर भी चेक करवाएंगे। जो हमारे पास सर्किट है वो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक करंट को बढ़ाता है। तो आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इसके कनेक्शन और उस सर्किट के बारे में बताएंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, ये आज हम आप दोस्तों को ये दिखाते हैं, ये चेक करें। ये जो सर्किट है हमारे पास, ये चेक करें, ये सर्किट हमारा 12 वोल्ट का है। 12 वोल्ट जो फैन या मोटर कोई भी जो कम स्पीड पर चलती है उसको ये तेज़ चलाएगी। ये सर्किट हमारा 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक करंट बढ़ाएगा। ये देखें, हम आपको बताते हैं। ये इसमें मोटर की, ये इसमें मोटर का कनेक्शन है, ये इसमें मेन है। एक इसमें माइनस और एक प्लस का निशान लगा हुआ है, ये आपको जूम करके चेक करवाते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास सर्किट है, इसमें एक तरफ पावर लिखा हुआ है, एक तरफ मोटर लिखा हुआ है, माइनस प्लस के निशान दोनों हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये देखें, यहाँ पर ये हमारी माइनस प्लस और माइनस प्लस, इधर इन होगा और इधर आउट होगा मोटर के लिए। ये 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक करंट देगा। किसी भी किस्म का जो 12 वोल्ट की मोटर या पंखा है वो कम स्पीड पर चलता है, तो वो अगर आप तेज़ चलाना चाहते हैं तो ये सर्किट लगा लें, ये सर्किट लगा लें, आपका पंखा या मोटर वो तेज़ हो जाएगी। ये देखें, ये चाइना का सर्किट है, ये मार्केट से आपको 200 से 250 के दरमियान में मिल जाएगा। तो आज हम आपको इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये तो दोस्तों, ये देखें, हम ये कनेक्शन करने लगे हैं। आप दोस्तों ने एक बात का ख्याल रखना है, इसमें गलती की गुंजाइश 12 वोल्ट में नहीं होती। माइनस को माइनस में लगाना है, प्लस को प्लस में लगाना है। ये हमारा लोड इन है, ये मोटर जहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको जूम करके दोबारा दिखा दें, ये मोटर जहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारी फ़ैन को जाएगा और यहाँ पर हमारा इन होगा। माइनस हमारा दोनों साइडों पर ही, प्लस हमारा बीच में है। तो ये हमारे पास कंट्रोलर है, यहाँ से ये हमारे पास एक माइनस और एक प्लस की तार हमारे पास निकल रही। पहले हमने इधर से पंखा चलाया हुआ था, जैसा कि आपको दिखाया कम स्लो चल रहा था। अब हम पहले इसका कनेक्शन इधर, इसको यहाँ पर लगाएंगे। फ़िलहाल हम आपको सिर्फ कनेक्शन करके और चलाकर चेक करवाते हैं, बाद में हम इसकी फिटिंग करेंगे और इसको हम लगा लेंगे। फ़िलहाल आपको कनेक्शन चेक करवाते हैं। जैसा कि ये हमारी पावर है, पावर वाली में ये हमारी माइनस और प्लस हमने लगा लेनी है। ये हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास माइनस है, इसको हम माइनस को माइनस में लगाएंगे। ये हमारी माइनस 12 वोल्ट और ये हमारी प्लस, ये सेंटर में लगेगी इसके आगे वाले पॉइंट में। ये देखें, इसमें एक इंडिकेटर ऑन हो चुका है, इसका मतलब हमारे पास करंट बिल्कुल ओके आ चुका है 12 वोल्ट। ये देखें, ये इंडिकेटर इसमें ऑन हो चुका है। अब ये जो दो पॉइंट हैं हमारे, ये लोड के हैं, यहाँ पर हम मोटर लगाएंगे।
यहाँ पर ये जो इस सुरख वाली तार के साथ है, यहाँ पर फ़ैन का हमारे पास फेस लगेगा गरम, जिसको हम बोलते हैं गरम। ये फेस हमने लगा लिया, ये साइड पर हमारा न्यूट्रल लगेगा। ये अब हम न्यूट्रल लगाने लगे हैं। ये देखें, अब हम वेरिएबल से पंखे को कम तेज़ कर सकते हैं। पंखा चेक करवाते हैं, ये देखें पंखा तेज़ चल रहा है। तो हमारी वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये किट चाहिए तो आप उनसे कहें कि हमें 12 वोल्ट से 24 वोल्ट करंट करने वाली किट चाहिए, जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट करंट दे। तो आपने ये किट आप उनसे ले सकते हैं और अपने पंखे को तेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।